नमस्ते बच्चों, ग्रेड फोर की कक्षा में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ हैं और पढ़ाई के लिए तैयार हैं। चलिए अब हम कक्षा आरंभ करती हैं। आज के पाठ का उद्देश्य है सामने, पीछे, दाईं, बाईं शब्दों का अर्थ समझाना और वाक्यों में प्रयोग करवाना। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम शब्दों को समझाना और वाक्यों में उनका प्रयोग करवाना। पाठ के अंत तक इन वर्णनात्मक शब्दों को वाक्यों में प्रयोग कराना। चलिए पाठ आरंभ करते हैं। पाठ का शीर्षक है एक नई सहेली। नौ बजे घंटी बजती हैं। सभी छात्र कतार में खड़े होते हैं। वे मुख्य अध्यापक की बातें सुन रहे हैं। तभी रीमा की नजर एक नई लड़की पर पड़ती है। वह उससे बात ही करने वाली थी कि उसी समय मुख्य अध्यापक ने कक्षा में प्रवेश करने को कहा और वह उससे बात नहीं कर पाई। कक्षा में प्रवेश करने के बाद अध्यापिका जी उस नई लड़की को अपने पास बुलाती हैं। अध्यापिका कहती है, बच्चों, यह दीपा है। आज से यह हमारी कक्षा में पढ़ेगी। रीमा तुरंत बोलती है, बहन जी, दीपा मेरे पास बैठ सकती है? अध्यापिका जी कहती हैं, जाओ दीपा, रीमा एक अच्छी लड़की है। वह तुमसे दोस्ती करेगी और कक्षा के बारे में भी बताएगी। रीमा मुस्कुराकर बोलती है, धन्यवाद अध्यापिका जी। रीमा तुरंत ही दीपा से दोस्ती करना चाहती है। बातचीत कैसे शुरू करें? सोच ही रही है। अंत में वह कक्षा के बारे में बताना शुरू करती है। यह हमारी कक्षा है दीपा। देखो बीच में छोटी मेजें हैं। ये छोटी मेजें छात्रों के लिए हैं। और बड़ी मेज अध्यापिका के लिए है। इधर देखो, कक्षा की दाईं ओर एक अलमारी है और अलमारी की बाईं ओर एक पंखा है। कक्षा के सामने श्वेत पट, झारन और लेखनी है और दरवाजे के पीछे। हाँ रीमा, मैंने देख लिया, दरवाजे के पीछे एक बंद कूड़ेदान है। दीपा आगे बोलती है, रीमा तुम बहुत अच्छी लड़की हो।
क्या तुम मेरी सहेली बनोगी? रीमा कहती है, हाँ, आज से हम दोनों दोस्त हैं। पर तुम दीवार की दाईं ओर लगे सुंदर चित्रों के बारे में बताना भूल ही गई। तुम ही ने इन चित्रों को बनाया है ना? हाँ दीपा, मैंने इन चित्रों को बनाया। मैंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम दिशाएं दिखाई हैं। क्या तुम दिशाओं के नाम जानती हो? हाँ, रीमा कहती है, उत्तर, उत्तर का मतलब है नॉर्थ, दक्षिण, दक्षिण का मतलब है साउथ, पूर्व, पूर्व का मतलब है ईस्ट, पश्चिम, पश्चिम का मतलब है वेस्ट। रीमा, ये चित्र तो और भी सुंदर हैं। बातों ही बातों में पहली कक्षा समाप्त हो गई। रीमा की दोस्त बनकर दीपा बहुत खुश थी। तो बच्चों, आज हमने दोस्ती पर एक सुंदर कहानी देखी और सुनी है। और बच्चों, हमने कुछ वर्णनात्मक शब्दों के बारे में भी सीखा है, जैसे कि दाई, बाई, के सामने, के पीछे और दिशाओं के बारे में भी सीखा है, जैसे कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। आइए इन वाक्यों को पढ़ते हैं। दाईं ओर अलमारी है। दाईं का मतलब है on the right side। बाईं ओर पंखा है। बाईं का अर्थ है on the left side। दाईं ओर गेंद है। बाईं ओर झूला है। के सामने का अर्थ है in front। लड़का पंखे के सामने है। सेब डिब्बे के सामने है। प्रिया आईने के सामने है। के पीछे का मतलब है at the back। पंकज पुस्तकों के पीछे है। बिल्ली डिब्बे के पीछे है। यश पैर के पीछे है। अब दिशाओं को देखते हैं। इसको बोलते हैं कार्डिनल पॉइंट्स। उत्तर दिशा में पॉपलेमस का बाग है। दक्षिण दिशा में गंगा तालाब है। पूर्व दिशा में सूर्योदय होता है, सनराइज होता है।
पश्चिम दिशा में ले मोंट ब्राबन पहाड़ है। अब हम अभ्यास कार्य की ओर बढ़ते हैं। सही शब्दों से रिक्त स्थानों को पूरा कीजिए। पहला वाक्य है, पंकज स्कूल खड़ा है। दूसरा वाक्य है, मीलू घर की ओर है। तीसरा वाक्य है, मॉरिशस के प्रांत के समुद्र सुंदर है। अब कोष्ठक के शब्द देखते हैं। उत्तर के सामने बाई। तो चलिए बच्चों एक साथ काम करते हैं। पंकज स्कूल के सामने खड़ा है, सही है ना? हाँ, पंकज स्कूल के सामने खड़ा है। दूसरा, मीलू घर की बाई ओर है, ऑन द लेफ्ट साइड। तीसरा वाक्य है, मॉरिशस के उत्तर प्रांत के समुद्र सुंदर है। उत्तर का मतलब है नॉर्थ। बच्चों, अब आप चित्रों को ध्यान से देखिए और बताइए कि चित्र किस दिशा में है। बताइए बच्चों, घर किस दिशा में है? उत्तर। फूल किस दिशा में है? हाँ, बिल्कुल सही, दक्षिण। पिल्ला किस दिशा में है? पूर्व। चिड़िया किस दिशा में है? पश्चिम दिशा में है। कक्षा समाप्त करने से पहले अब हम दोस्ती पर एक छोटी वीडियो देखेंगे। मेरा प्यारा दोस्त, पास आओ चलो एक दूसरे को जानते हैं। वो मुझे नहलाती है, अच्छा खाना खिलाती है, कांधे पे हाथ रख के स्कूल ले जाती है, इसलिए वो मेरा प्यारा दोस्त है। हम साथ स्कूल जाते हैं, कांधे पे हाथ रखते हैं, इसलिए वो मेरा प्यारा दोस्त है। इसलिए दोस्त दोस्त वो है मेरा प्यारा दोस्त। शैतानी करती हूँ वो टीचर बन जाती, इसलिए वो मेरी प्यारी दोस्त है। जब शैतानी करता हूँ वो मेरी रक्षा करती, इसलिए वो मेरी सबसे प्यारी दोस्त है। इसलिए चीनू दीदी मेरी प्यारी दोस्त है, चीनू दीदी मेरी प्यारी दोस्त है। वीडियो पसंद आई तो अभी के लिए हमारी कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलेंगे। नमस्ते।